हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट व्यू पर। तो फिर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस COVID-19 पैंडेमिक में आप सही सलामत और सेफ होंगे। दोस्तों, हम में से तो हर कोई झूठ बोलता है, क्या करें कलयुग है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला झूठ कौन सा है? हम इंसान सबसे ज़्यादा तनाव में कौन से उम्र में रहते हैं और दुनिया का सबसे अधिक दुखी व्यक्ति कौन है? इन सभी मजेदार सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी वीडियोस की सीरीज में। इसी के साथ, क्या है प्यार का पहला एहसास? आखिर इस प्रेम का मतलब क्या है? कितने समय में होता है प्यार? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 साल? प्यार हो जाने के बाद हम में कौन से मेंटल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं? इन सभी प्यार भरे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तोड़ दीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से पहली नज़र में प्यार किया है? BBC में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार किसी को पहली नज़र में पसंद करने में सिर्फ 90 सेकंड से 4 मिनट का ही समय लगता है। अगर आपने किसी से पहली नज़र में प्यार किया है या फिर फ्यूचर में होगा तो उसे सिर्फ केवल 90 सेकंड से 4 मिनट का ही समय लगेगा। कुछ रिसर्च के अनुसार जब आप किसी से बात करते हैं तब उस समय आपका इम्प्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा निर्भर करता है, ना कि इस पर कि आप उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% इफेक्ट करती है किसी को इम्प्रेस करने में, 38% आपकी स्पीड ऑफ वॉइस पर और 7% आप क्या बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए आपको अपनी क्रश को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी इंटरव्यूअर को, बस अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कुछ रिसर्च के अनुसार जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं तब एक दूसरे के आंखों में देखने के महज 3 मिनट में उनका दिल एक साथ धड़कने लगता है। उनके दिल की सभी हलचल एक जैसी होती है और अगर हम उनके हार्ट रेट और कार्डियक वेव को देखेंगे तो लगभग 99% सेम हो जाती है। क्यों है कि नहीं अद्भुत और चौंका देने वाला फैक्ट? आपने कई फिल्म और टीवी सीरियल में सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। यह एक तरह का सच है। प्यार में होना या फिर ड्रग्स लेना, दोनों ही प्रक्रियाएं दिमाग के समान हिस्से को प्रभावित करती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग के अंदर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन नाम का कंपाउंड तैयार होता है और हमें नशे जैसा महसूस कराता है। मतलब हम बचपन से जो पिक्चरों में सुनते आ रहे हैं कि प्यार एक नशा है, तो वो एक साइंटिफिकली प्रूव बात हमें सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई पसंद है या फिर कोई क्रश है या फिर आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स है तो फिर जल्दी बता देने में भला ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स छुपाओगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी और इससे आप डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, यानी कि आपका मन हमेशा अपनी बात कहने के लिए मचलता रहेगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा नए अपडेट के लिए तैयार रहिए। 15 से 21 की उम्र के लोगों को ज़्यादातर सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है। जी हाँ, ये साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध भी हो चुका है, क्योंकि 15 से 21 की उम्र के लोगों में ही सबसे ज़्यादा फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से हम अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादातर अट्रैक्ट इसी उम्र में रहते हैं और इसकी वजह से हम कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं। जब दो पर्सन एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं तब एक दूसरे की सीट एंड स्टैंड पोजिशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की फिजिकल जेस्चर को भी मैच करने की ट्राई करते हैं। इसे मिररिंग भी कहते हैं। क्लोज फ्रेंड्स में भी मिररिंग हो सकती है और पोटेंशियल लवर्स में भी। सो बी केयरफुल गाइज, आप अच्छी फ्रेंडशिप को भी मिसलीड करके प्यार समझ सकते हैं और इसकी वजह से आप अपनी फ्रेंडशिप भी गवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोच समझ के ही कोई कदम उठाइए। रिसर्च कहते हैं अगर आप किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो वो यूजुअली सफल नहीं होता। अगर आप अपनी फीलिंग्स कई बार बोलकर या फिर एक्सप्रेस करने के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा और आपकी फीलिंग्स इग्नोर हो रही है तो वो इसलिए बहुत बार फीलिंग्स बताने की वजह से उनका दिमाग ये सोचने लगता है कि वो आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपने दुनिया में किसी से भी पूछ लिया आप कैसे हैं, हाउ आर यू, चाहे वो दोस्त हो, कलीग हो, फ्रेंड हो या कभी कभी बेस्ट फ्रेंड भी, 99% लोग बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। जबकि कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी वो हमेशा कहेंगे आई एम फाइन। दो प्यार करने वाले लोग बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, अपने पार्टनर को टेंशन ना हो, इसलिए हमेशा आई एम फाइन यही कहते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के प्यार भरे फैक्ट्स होते हैं समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तोड़ दीजिए और जरूर याद से कमेंट कीजिए और अपना वैल्यूएबल सजेशन दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।